हाँ वालेकुम सलाम। हो गया ईद मना ली है जी? आपको ईद मुबारक। चलो बढ़िया। कल तो कॉल नहीं कर पाए, कल तो पूरा तुम भी बिजी हो गए, हम भी बिजी थे। अभी कहाँ गए वैसे? अभी कहाँ गए थे? माशाल्लाह। नहीं अभी बोल रहे थे ना कि कहीं गए हुए हैं, ईद के पार्टी में गए हुए हैं। अच्छा चलो भाई, हम भी दावत देते हैं, यहाँ पे आओ कभी। चलो, और सब बढ़िया है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ उसमें जो रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर में सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन टाइम में, है ना? तो उसको हम लिख करके अच्छे तरीके से समझा देंगे आपको अच्छे से। अभी तो ईद के पार्टी में मशगूल हो तो हम सोच डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे हैं। सर फरोज सर बोल रहे थे कि वो पूछ रहा था असद जो है वो कि क्या क्या लगेगा एडमिशन टाइम में, तो फिर वो हम बता देंगे अच्छे से। हम बात करके सारा डिटेलिंग क्या क्या चाहिए वो सब हम बता देंगे जी सर। हाँ और सर, क्या फिर से बोलो। अच्छा एमयू में एडमिशन लें या जामिया में एडमिशन लें? हाँ देखो एमयू बेस्ट है या जामिया, ये तुम पूछना चाहते हो। जामिया में ये है ना कि वो सेल्फ फाइनेंस है, फीस थोड़ा ज़्यादा वहाँ लगेगा, है ना? और हॉस्टल एकोमोडेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यानी हॉस्टल मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर बाहर रहना पड़ेगा। और उसके कंपेयर में अगर एमयू की बात करें तो एमयू में हॉस्टल मिल जाएगा, है ना? और कैंपस की बात है, एमयू से हम पढ़े हैं तो हमको एमयू बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा लगता है, है ना? तो माहौल अच्छा है, ऐसे जामिया भी बेस्ट है। तो अभी देखो ऐसा नहीं है कि अभी आपको एमयू का पेपर नहीं देना, एमयू का पेपर दोगे जी सर। हाँ एमयू का पेपर देना है, जिस तरीके से जामिया में रैंक 2 लाया, इस बार टारगेट ये करना है कि एमयू में इंशाल्लाह रैंक 1 लाना है, है ना? हाँ आएगा, क्योंकि टेंशन लेना नहीं है अभी। अभी यहाँ से अभी एक दिन चलो ठीक है, ईद सेलिब्रेट हम लोग कर लिए, खुशी का मौका है, है ना? लेकिन अब ऐसा हम लोग लग जाएंगे कि एमयू तक एग्ज़ाम आते आते तक हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना जी? अब बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं पूरा एजुकेशन एंड फैमिली आपके साथ है। अच्छा तुम बैच कब ज्वाइन किया था तुमने? हेलो नेटवर्क ग्लिच हो, एक सेकेंड कट करके करिए सर, कट करिए, रिकनेक्ट हो जाए। हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। ये मैं कह रहा था कि बैच आपने कब ज्वाइन किया था? सितंबर से। अच्छा सितंबर से। कौन सा बैच था, चैंपियन था या एम्बिशन था? एम्बिशन किया। अच्छा एम्बिशन बैच था, चलो बढ़िया है। और फिर और भी बच्चे लोग को मोटिवेट कर रहे हो किस तरीके से तुमने तैयारी किया, है ना? अभी तो मतलब बच्चे लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चे कॉल आया था जामिया वाले का कि बच्चे ने किस तरीके से तैयारी किया था, सर हमने भी किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अच्छा एमयू वाले मान लो कि एमयू का एग्जाम अभी आपका 2 तारीख को है ना, 2 मई को, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी रखना है अच्छी तरीके से। स्ट्रैटेजी ये रखना है कि जितना भी चैप्टर्स आपने पढ़ा है साइंस में, देखो जामिया में तो ईवीएस आया था, है ना? लेकिन इसमें आपको साइंस जो चैप्टर हमने पढ़ाया है एम्बिशन में जो वीडियो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से करना है और उसके प्रैक्टिस सेशन अच्छे से करना है। और हाँ क्या नोट्स हाँ जो लिखा था वो नोट्स रिवाइज कर लेना है। और टेस्ट अभी देखो टेस्ट वाला कॉलम है ना उसमें,
टेस्ट ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है, 5 मॉक टेस्ट अभी एमयू का आया उसको फिर से आपको देना पड़ेगा, ठीक है? जी सर। हाँ, और फिर बाकी अभी और टेस्ट भी आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट फॉर्मेट पे होगा, उसको भी देना है। तो चलो ठीक है, अभी हम तुम्हारा टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। वो एडमिट कार्ड जो है ना एग्जाम से 1 हफ्ता पहले आता है, जिस तरीके जाम में तुमने पेपर दिया था तो 1 हफ्ता पहले आया था ना, उसी तरीके से एमयू का भी 1 हफ्ता पहले आएगा। इंटरव्यू कब होता है एमयू का? इंटरव्यू का लिस्ट निकल जाएगा, अब मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते बाद जो है वो इंटरव्यू का डेट निकाल देगा, है ना? नहीं अभी तो इलेक्शन की वजह से तुम लोग का मे कर दिया, नहीं तो पहले ही हो जाता था पेपर, मार्च में हो जाता। हाँ, और इंटरव्यू भी हो जाता था, तो इंटरव्यू में भी मसला नहीं है उसमें एमयू का। इंटरव्यू में जो है वो कम से कम हमको लगता है कि 3 से 4 सवाल पूछेगा, अब बाकी हम लोग खुद तैयार आपको करेंगे इंटरव्यू के लिए, पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है इंटरव्यू में, है ना? जी। चलो और कुछ पूछना है आपको? ब्लड ग्रुप चेंज थोड़ी होता है। ब्लड ग्रुप क्या दोबारा? नहीं नहीं, ब्लड ग्रुप तो एक ही है, जैसे कि मेरा वो करंट बोलना चाह रहा है, वो करंट नहीं है, आप कभी भी करा सकते हैं करंट के लिए। तुम्हारा भी वो पॉजिटिव है, चलो मैच कर गया। ओ पॉजिटिव है तो वो हमेशा ओ पॉजिटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब का बना हुआ है वैसे? 2022 का बना। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम बताएंगे सारा पेपर क्या क्या है वो सब हम बता देंगे आपको, ठीक। और अम्मी को सलाम बोल देना, ठीक है? जी जी। चलो ठीक है।